Hello everyone, today I am going to start next topic, that is the how to extract pure metal from its concentrated ore. इससे पहले वाले previous video में हमने ये अभी तक देखा था कि ore अगर दिया हुआ है उसमें अगर earthly impurities available, in case of earthly impurities is available in the ore. इन दैट कंडीशन हम देख रहे थे कि कैसे हम ओर का कंसंट्रेशन कर रहे थे. कंसंट्रेशन करने के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास फोर प्रोसेस थे. फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड अ हाइड्रोलिक प्रोसेस, सेकंड था हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, थर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फोर्थ था हमारे पास लीचिंग प्रोसेस. ये फोर प्रोसेस हमने ओर कंसंट्रेशन के लिए पढ़ा था. जब हमने ओर से अर्थली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लिया यानी ओर को कंसंट्रेट कर लिया, इन दैट कंडीशन अब हमको करना है उससे प्योर मेटल को ऑब्टेन करना. तो प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए यानी कंसंट्रेटेड जो ओर हमको मिला हुआ है, कंसंट्रेटेड ओर, इससे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है. तो इसमें ओर का कंसंट्रेशन अगर अकॉर्डिंग टू द मेटल रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास मेटल जो होते हैं कंसंट्रेटेड ओर में जो एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जो मेटल अवेलेबल होते हैं, उसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दें. एक तो आपका हाई रिएक्टिव मेटल हो गया, मिडिल रिएक्टिव मेटल हो गया, और तीसरा आपका लो रिएक्टिव मेटल हो गया. तो हाई रिएक्टिव जितने भी मेटल्स होते हैं ओर के फॉर्म में वो मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड जस्ट लाइक अ लिक्विड फॉर्म. और इस मोल्टन स्टेट से हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैसे क्या प्रोसेस होता है देख लो. ये चार्ट मैंने बनाया है, ड्रॉ किया हुआ है. तो यहाँ पे देखो हाई रिएक्टिव मेटल है. हाई रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. और इससे इस मोल्टन स्टेट से हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करें. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो हमारे पास NaCl है, मोल्टन स्टेट में अवेलेबल है. अब इससे हमें प्योर के फॉर्म में ही है. अगर प्योर मेटल को ऑप्टेन है, सोडियम प्योर फॉर्म में हमें ऑप्टेन करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक एनोड रॉड लगाएंगे और दूसरा हम कैथोड रॉड लगाएंगे. ठीक है, एनोड रॉड एंड कैथोड रॉड. तो अगर ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड रॉड है, इसके बाद हम ये जो हमारा NaCl है इसे मोल्टन स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट कर देंगे, यहाँ डाल देंगे, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे. तो ये जो NaCl है वो ये, और एक चीज़ और, ये जो रॉड लेंगे हम हाई रिएक्टिव मेटल कंडीशन में, ग्रेफाइट की रॉड होगी इसलिए क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी. तो NaCl जो है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द Na+ एंड Cl-. जो Cl- है ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड रॉड की तरफ जाएगा, यानी एनोड रॉड से Cl2 यानी क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी और सोडियम मेटल यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा. तो इससे इस मेथड के थ्रू हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे सपोज करो हाई रिएक्टिव मेटल आपका एल्यूमिनियम होता है. एल्यूमिनियम क्या होता है, ये ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि उसमें जो आयरन की इम्प्योरिटी जो हमें रेड बॉक्साइड पर है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल थी, जिसे हमने रिमूव कर लिया. और प्योर मतलब जब इम्प्योरिटी रिमूव तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में हमें ऑब्टेंड हो रहा था. इसके बाद इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अगर हमें प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना तो इस कंडीशन में क्या, एक कंटेनर लेंगे, फिर सेम कंडीशन एक एनोड रॉड बनाएंगे और एक कैथोड रॉड बनाएंगे. ये रॉड किसकी बनी होगी, ग्रेफाइट रॉड की बनी होगी. ठीक है, ये जो रॉड होगी वो ग्रेफाइट रॉड की बनी होगी. ये ड्रॉ लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ग्रेफाइट रॉड की बनी होगी और ये मोल्टन स्टेट में इस कंटेनर में यहाँ सिचुएटेड होगा. ठीक है, यहाँ होगा. अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा Al+3 एंड O-2. अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ये कहाँ जाएगा, एनोड रॉड की तरफ जाएगा. एनोड से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, एल्यूमिनियम प्योर यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगी. तो इस तरीके हम हाई रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है, सपोज करो हमारा मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है. तो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट अगर ओर का हमने कंसंट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना. तो ये जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये थ्री पार्ट में फॉर्म में पाए जाते हैं. एक तो हमारा होता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरा कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, तीसरा ऑक्साइड के फॉर्म में. एग्जांपल देख लें, जैसे जिंक आपका मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है तो जिंक क्या होता है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है, और जो होता है इसका जिंक सल्फाइड के भी फॉर्म में पाया जाता है और जिंक ऑक्साइड के भी फॉर्म में पाया. यानी मिडिल रिएक्टिव जो एलिमेंट के ओर्स होते हैं वो थ्री फॉर्म में एटमोसफेयर में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड फॉर्म के ओर, कार्बोनेटेड ओर एंड ऑक्साइड ओर. अब सपोज करो हमारे पास सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उनका हम उनसे सल्फाइड ओर से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं.
अब ये रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग का क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं, जो भी मेटेलिक ओर होता है, मेटल सल्फाइड ओर होता है, उसकी रिएक्शन, उसको हम प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब मेटल सल्फाइड ओर को हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। जब रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो हमें ऑप्टेन होता है मेटेलिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाते हैं। तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ, व्हेन वी हीट द सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन वी स्ट्रांगली हीट द सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग प्रोसेस। तो सल्फाइड, अगर कभी भी सल्फाइड ओर आ जाएगा तो हम रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे, यानी उस मेटल सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करेंगे। जब स्ट्रांगली हीट करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटेलिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। अब हमें ये मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब ये मेटल रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो ये मेटल ऑक्साइड मिला है, इस मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल ऑब्टेन करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल को सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ रिडक्शन। यानी रिडक्शन, पहले हमने क्या किया, रोस्टिंग किया। रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या मिला, मेटेलिक ऑक्साइड मिला। अब मेटेलिक ऑक्साइड से हमें मेटल ऑप्टेन करना है, तो ये मेटल ऑप्टेन करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रिडक्शन जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, एल्यूमिनोथर्मी, और दूसरा होता है स्मेल्ट। अगर सपोज करो ये जो हमने एल्यूमिनोथर्मी और स्मेल्टिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्यूमिनोथर्मी एंड स्मेल्टिंग प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्मी में क्या करते हैं, उस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जो क्या कराते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, दैट इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये जो होता है ये एल्यूमिनियम के साथ जब कराते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटल, मेटल अलग हो जाएगा ऑक्साइड से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा। यानी हमने मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस। लेकिन अगर इसी मेटेलिक ऑक्साइड से हमें मेटल को सेपरेट करने के लिए अगर हम कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो भी सेम होगा, मेटल अलग हो जाएगा। अगर कोक लिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल को सेपरेट करने के लिए अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो रिडक्शन में हम दो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिनोथर्मी यूज़ करें, एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले लें मेटल ऑब्टेन करने के लिए, या फिर कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड लें यानी स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज़ कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस जो होता है, ये जो होता है केवल आयरन, यानी एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट केवल हम आयरन के केस में, क्रोमियम के केस में और मैग्नीज के केस में ही ले सकते हैं। ठीक है, बस इन्हीं के साथ एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस होगी, बाकी सब सारे एलिमेंट जो होंगे जो मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल को सेपरेट करने के लिए यूज़ होगा उसमें हमेशा हम स्मेल्टिंग का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये दोनों तो हमेशा खाली जो होगा वो क्रोमियम और मैग्नीज केवल एल्यूमिनोथर्मी, लेकिन आयरन एक एक्सेप्शन केस है। आयरन का जो ऑक्साइड होगा उसमें हम एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं और स्मेल्टिंग प्रोसेस भी यूज़ करके हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे रेलवे ट्रैक को जॉइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है, रेलवे ट्रैक क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड की लेयर रस्ट फॉर्मिंग हो जाती है। अब इसको जॉइन करने के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो यहाँ पे बनता है Fe+Al2O3, ये प्रोसेस होते हैं एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन और एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड यानी जो आयरन का ऑक्साइड है वो एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस भी देगा और स्मेल्टिंग प्रोसेस भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज केवल एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस के थ्रू ही मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे रिडक्शन कर लेंगे, रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, यानी मेटल ऑक्साइड से हमने मेटल ऑब्टेन कर लिया, इसमें क्या किया हमने, कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हमने एल्यूमिनियम का यूज़ किया, तो मेटल मिल गया। अब ये जो मेटल मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड से जो मेटल हमने ऑब्टेन किया थ्रू द रिडक्शन, दैट इज़ नॉट अ प्योर मेटल, इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ बाकी हैं। और इस मेटल को, या जो इम्प्योर मेटल जो होता है दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर मेटल, इस इम्प्योर मेटल को हम क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल भी बोलते हैं। तो अब इम्प्योर मेटल से हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, तो प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करें, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, एक एनोड रॉड बनाएंगे और एक कैथोड रॉड। इसमें एक चीज़ ध्यान देना,
हाई रिएक्टिव में हम एनोड और कैथोड जो रॉड बना रहे थे वो ग्रेफाइट की बना रहे थे, लेकिन जो मिडिल रिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल वाली सीरीज होगी उसमें जो एनोड और कैथोड रॉड बनाएंगे वो उसी मेटल की बनाएंगे। तो जो एनोड रॉड होगी दैट इज़ मेड अप फ्रॉम इम्प्योर मेटल, जो भी मेटल तुमने ऑब्टेन किया है रिडक्शन के थ्रू, और जो प्योर रॉड जो कैथोड रॉड होगी वो उसी मेटल की प्योर रॉड होगी। ठीक है, एनोड एंड कैथोड होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस जो सॉल्यूशन इसमें लेंगे इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी मेटल का, सपोज करिए जिंक की रॉड है तो ये जिंक जो इम्प्योर जिंक मिला था वो इसकी एनोड रॉड होगी, प्योर जिंक कहीं से लेंगे जिसकी कैथोड रॉड बना देंगे, और उसी मेटल का हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो जिंक का प्योरिफिकेशन सपोज करोगे तो जिंक सल्फेट ले लेंगे। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे इस कंटेनर में तो ये इम्प्योर रॉड में जो जिंक अवेलेबल होगा Zn+2 जो होगा वो इस कैथोड रॉड की तरफ जाने लगेगा, और ये कैथोड जो रॉड होगी ये धीरे धीरे थिक होने लगेगी, और ये एनोड रॉड जो होगी वो धीरे धीरे थिन होने लगेगी, और एनोड रॉड के नीचे कुछ इम्प्योरिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड एनोड मड। ठीक है, तो इस तरीके हम इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम 99.99% हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई केवल सल्फाइड ओर की। अब सपोज़ करो मिडिल रिएक्टिव में जो मेटल है वो कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में अवेलेबल है, सपोज़ करो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में। तो अगर कार्बोनेटेड ओर हो, जैसे सल्फाइड ओर था तो हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर कार्बोनेटेड ओर होगा तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है ये समझ लो, मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट, वेन वी स्ट्रॉन्गली हीट द मेटल कार्बोनेट इन एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे क्या होगा एब्सेंस ऑफ एयर, यानी मेटल कार्बोनेट को क्या करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे और उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी कैल्सिनेशन की अगर डेफिनेशन पूछता है कोई तो कह सकते हो कि कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि व्हेन वी स्ट्रॉन्गली हीट द मेटल कार्बोनेट इन एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड अ कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट को हम क्या करें एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटेलिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। अब हमने क्या किया, कैल्सिनेशन के थ्रू हमने मेटल ऑक्साइड को ऑब्टेन कर लिया। सेम प्रोसेस मेटल ऑक्साइड अब हमें मिल गया, तो इस मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन में हम या तो एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस यूज़ करें या फिर स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब जब रिडक्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर मेटल। अब इम्प्योर मेटल से क्या करना है, हमें प्योर मेटल ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, अगर सपोज़ को मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट अगर ऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे सपोज़ को जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये ऑक्साइड ऑलरेडी है ही, तो जब ऑक्साइड है तो हमें केवल मेटल को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे इसमें रिडक्शन कर देंगे। जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। रिडक्शन में हम या तो एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस यूज़ करें या फिर हम स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। इन दैट प्रोसेस क्या होगा, इम्प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इम्प्योर मेटल जब मिल जाएगा तो फिर से हम वही करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो हमारा प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। तो दैट इज़ अ मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट की बात हो गई। सपोज़ करो अब हमारे पास लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो लो रिएक्टिव जैसे कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, तो जितने भी लो रिएक्टिव मेटल के ओर्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फाइड ओर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो Cu2S हो गया, HgS हो गया एंड सिल्वर Ag2S हो गया। तो जनरली जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब सल्फाइड ओर है हमारे पास, तो सल्फाइड ओर के लिए क्या करते थे, रोस्टिंग करते थे। रोस्टिंग करने से क्या होता था, मेटल ऑक्साइड मिल जाता था, और मेटल ऑक्साइड जब मिल जाता तो इसमें रिडक्शन नहीं कराते, इसमें ऑटो रिडक्शन हो, अपने आप यानी सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, ऑटो रिडक्शन हो जाता है इसमें। और ऑटो रिडक्शन होता है तो मतलब इससे इम्प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल मिलता है तो उसका उसकी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। तो ये चार्ट है जिसके थ्रू मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया कि कैसे हम
ओर कंसनट्रेटेड ओर से प्योर मेटल को ऑप्टेन कर सकते हैं। तो कुछ मैंने डेफिनेशन तुमको यहाँ पे लिख करके समझाया था। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर वी हीट द सल्फाइड ओर इज कॉल्ड अ रोस्टिंग। यानी हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो होगा व्हेन वी हीट द स्ट्रांगली हीट द सल्फाइड ओर इज कॉल्ड अ रोस्टिंग। ठीक है, और ये जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है ये इट इज़ कैरिड इन द रेवरबोरेटरी फर्नेस। ये फर्नेस जो भट्टी सुना होगा तो ये भट्टी का नाम है रेवरबोरेटरी फर्नेस में इसका ये प्रोसेस किया जाता है। ओर को हम हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, यानी जो ओर होगा उसको कब तक हीट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो हीट करेंगे। और आफ्टर रोस्टिंग आर ओर बिकम्स पोरस एंड ड्राई। जैसे ही रोस्टिंग का प्रोसेस ख़त्म होगा तो वो कैसे हो जाएंगे, पोरस और ड्राई हो जाएंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चीज़ दे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिंक सल्फाइड का रोस्टिंग क्या, हमने सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड मेटेलिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। कैल्सिनेशन मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि इन एब्सेंस ऑफ एयर वी हीट द कार्बोनेटेड ओर इज कॉल्ड अ कैल्सिनेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं एक और ले लेती हूँ, जिंक कार्बोनेट को क्या करना है, रॉन्ग हो गया, जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, इसको क्या करना है, एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करेंगे, दैन इट विल बी कन्वर्टेड इंटू द जिंक ऑक्साइड प्लस रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना, यानी फिर आप भी बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑप्टेन करना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड आर नोन एज रिडक्शन। इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। अगर रिडक्शन का प्रोसेस कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। अगर एल्यूमिनोथर्मी का मतलब अगर तुमने रिड्यूसिंग एजेंट, अगर तुमने एल्यूमिनियम लिया हुआ है मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑप्टेन करने के लिए तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। जैसे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, आयरन का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन का ऑक्साइड हो गया, तो ये एल्यूमिनोथर्मी के थ्रू हम ये सारे मेटलों को ऑप्टेन कर सकते। इसमें से आयरन का एक्सेप्शन केस बताया मैंने तुम लोगों को कि Fe का जो भी ऑक्साइड होगा वो स्मेल्टिंग भी प्रोसेस कर सकता है और एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ये थर्माइट रिएक्शन है जो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आज इसको मैंने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट जो है इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो पहले इसको देखो और फिर आगे जो है मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। अगर जो भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो पूछ लेना।